हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द रॉक्सी कोडर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल बटन। टुडे आई विल डिस्कस पीएचपी कंपैरिजन ऑपरेटर। पीएचपी का कंपैरिजन ऑपरेटर, पीएचपी का जो जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, फर्स्ट इक्वल इक्वल, सेकंड है नॉट इक्वल, नॉट साइन देन इक्वल, थर्ड है ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। यह है पीएचपी का कंपैरिजन ऑपरेटर। इक्वल इक्वल, इक्वल इक्वल का काम क्या है, दोनों ऑपरेंट और दोनों वेरिएबल का वैल्यू इक्वल और नॉट ये चेक करते हैं। इक्वल ऑपरेंट आर, ऑपरेंट आर इक्वल, इक्वल और नॉट, ऑपरेंडर इक्वल और नॉट ये चेक करते हैं। सेकंड है नॉट इक्वल, दोनों वेरिएबल को चेक करते हैं। सपोज दोनों वेरिएबल का वैल्यू इक्वल नहीं है, जब दोनों वेरिएबल का वैल्यू इक्वल नहीं होगा, रिटर्न करेगा ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों वेरिएबल को चेक करते हैं, उसके बाद नॉट इक्वल मतलब इक्वल नहीं है, दोनों वेरिएबल का जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होगा, यह है नॉट इक्वल। ग्रेटर देन, सपोज दोनों वेरिएबल का वैल्यू है, सपोज ए का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू है 2, दोनों वेरिएबल के अंदर चेक करेगा, ए का वैल्यू बड़ा होगा तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, और लेस देन सेकेंड जो वेरिएबल है उसका वैल्यू बड़ा होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, वैल्यू जो दोनों वेरिएबल के अंदर चेकिंग करेगा, देन सपोज फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू बड़ा एंड इक्वल, बड़ा भी हो सकता है एंड इक्वल भी हो सकता है, इस कंडीशन के लिए ग्रेटर देन इक्वालिटी यूज करता है, एंड लेस देन इक्वल टू छोटा होगा एंड इक्वल होगा, छोटा भी हो सकते हैं इक्वल भी हो सकते हैं, इस कंडीशन के लिए लेस देन इक्वल टू यूज करते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हैं। फर्स्ट लिखते हैं ए इक्वल 42 एंड बी इक्वल 20। फर्स्ट चेक करते हैं इक्वल इक्वल, इफ कंडीशन के अंदर देखते हैं ए इक्वल इक्वल बी, देन इको ए इज इक्वल इक्वल टू इक्वल टू बी, ए एंड बी बी का वैल्यू सेम होगा तो ये ट्रू को रिटर्न करेगा, एल्स इको ए इज नॉट इक्वल टू बी, दोनों का वैल्यू सेम नहीं है तो एल्स पार्ट पे आ जाएगा। रन करके देखते हैं, फर्स्ट कॉपी पाथ करते हैं, देन लोकल होस्ट ए इज नॉट इक्वल बी, मेरा ए का जो वैल्यू है 42 एंड बी का वैल्यू है 20, सो दोनों का वैल्यू सेम नहीं है इसलिए एल्स पार्ट पे रिटर्न कर रहा है ए इज नॉट इक्वल टू बी, सपोज यहाँ पे लिख देते हैं 20, देखते हैं क्या रिटर्न करते हैं, रिफ्रेश द पेज, ए इज इक्वल टू बी, ए एंड बी का जो वैल्यू है वो इक्वल है, ऐसे डबल इक्वल टू को यूज करते हैं। इसके बाद देखते हैं
नॉट इक्वल, यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देते हैं, सपोज 42 कॉपी कर लेते हैं, देन फिस्ट यहाँ पे लिखते हैं नॉट इक्वल साइन, नॉट साइन, ए नॉट इक्वल टू बी, ए एंड बी का जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होगा। जब वैल्यू इक्वल नहीं होगा तब वो रिटर्न करेगा, इस मैसेज को रिटर्न करेगा। यहाँ पे मैसेज को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ट्रू यहाँ से लेते हैं फॉल्स, ये सिर्फ चेकिंग के लिए एंड सिर्फ मैसेज को दिखाने के लिए ये ट्रू एंड फॉल्स को एक स्ट्रिंग के अंदर पास किए हैं। ओके, दोबारा रन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे एक ब्रेक टैग को यूज कर देते हैं, डॉट बी आर ब्रेक यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे भी सेम को कॉपी कर लेते हैं, ब्रेक यहाँ पे भी ब्रेक को यूज कर देते हैं, रिफ्रेश, इसका जो रिजल्ट आया है ट्रू, बिकॉज ए एंड बी का जो वैल्यू है वो सेम नहीं है, इसलिए मेरा जो ई पार्ट का मैसेज को प्रिंट किया है। इसके बाद चेक करेंगे ग्रेटर देन, इसको कॉपी कर लेते हैं, सपोज ए ग्रेटर देन बी यहाँ पे लिख देते हैं यस, यहाँ पे नो, मेरा जो ए का वैल्यू है वो बी का वैल्यू से बड़ा होगा, तो ए का जो वैल्यू है 42 एंड बी का वैल्यू है 20, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो ई पे जो मैसेज है वो प्रिंट होगा, क्योंकि मेरा ए का वैल्यू बड़ा है, यस ट्रू है, तो रिफ्रेश करके देखते हैं यस। इसके बाद लिखते हैं लेस देन, ए का वैल्यू बी का वैल्यू से छोटा होगा, ए का वैल्यू बी का वैल्यू से छोटा होगा, ये कंडीशन सक्सेस होगा तो यस पार्ट पे आएगा, सो इफ पार्ट पे आएगा, नहीं तो एल्स पार्ट पे रिटर्न करेगा। रन करके देखते हैं, देखिए नो, बिकॉज मेरा जो ए का वैल्यू है बी का वैल्यू से बड़ा है, बट यहाँ पे लेस देन साइन मतलब ए का जो वैल्यू छोटा होना चाहिए एंड बी का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। इसके बाद चेक करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू को, ग्रेटर देन ये है ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ए का जो वैल्यू है वो बी का वैल्यू से बड़ा भी हो सकता है एंड इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं ए का जो वैल्यू है बड़ा है, तो बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, तो मेरा रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ट्रू है, तो यस रिटर्न करेगा, यस रिटर्न करेगा। एंड देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ए का जो वैल्यू है बी का वैल्यू से छोटा होगा और इक्वल होगा, छोटा भी हो सकता है एंड इक्वल भी हो सकता है, तो मेरा जो ए का वैल्यू है ये तो छोटा नहीं है, इक्वल भी नहीं है, बड़ा है, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट रिटर्न करेगा, जो ई को एल्स पार्ट पे जो मैसेज है वो रिटर्न करेगा। तो एक बार चेक करते हैं ब्राउजर पे जाके, रिफ्रेश करते हैं पेज को, देखिए नो, बिकॉज मेरा ए का जो वैल्यू है ये बड़ा है एंड इक्वल भी नहीं है, इसलिए मेरा जो एल्स पार्ट पे जो मैसेज है वो प्रिंट हो रहा है। ऐसे पीएचपी का जो कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे देखेंगे लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर। पीएचपी का जो लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर होता है वो नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। ओके बाय बाय एवरीवन।